भारत के हर नागरिक के पास अपनी सरकार चुनने का हक होता है, पर दिल्ली में हिसाब किताब थोड़ा अलग है। यहाँ आपको राज्य सरकार चुनने को तो मिलती है, पर वो राज्य सरकार बस नाम की होती है, क्योंकि सारी पावर्स जो लैंड, पुलिस और एमसीडी से जुड़ी हुई हैं, वो तो केंद्र सरकार के पास ही होती हैं। हर स्टेट में म्युनिसिपैलिटी एक कमिश्नर को रिपोर्ट करती है, जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट द्वारा नियुक्त किया गया होता है, पर दिल्ली में एमसीडी सीधा केंद्र सरकार को रिपोर्ट करती है। 12 सितंबर 2018 को 28 दिन के लिए एमसीडी हड़ताल पे गई थी, तो आपके मुख्यमंत्री चाह कर भी कचरों के ढेर पर झाड़ू नहीं लगा सकते थे, क्योंकि ऐसा करना रूल बुक के अनुसार गैर कानूनी होता है। अब मान लीजिए आपके घर में काम करने वाले ने बिना बताए 28 दिन की छुट्टी ली है, आप उससे पूछते हैं कि घर साफ कौन करेगा, तो बोलते हैं मेरे से बात मत करो, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। फिर जब आप अपने घर को खुद साफ करने लगते हैं, ठीक उसी टाइम उसका धमकी भरा फोन आता है और वो बोलता है कि अगर आपने अपने ही घर को साफ किया तो मैं आपको कोर्ट लेकर जाऊंगा। ठीक ऐसी ही हालत उस टाइम एमसीडी ने दिल्ली की सरकार की कर दी थी। जरा सोचिए 28 दिन का कूड़ा था, उससे कितनी बीमारियां फैल सकती थी। अगर दिल्ली को पूर्ण राज्य मिलता है तो आपके विधायक की जिम्मेदारी होगी उस कचरे के ढेर को हटाना, पर तब तक अगर कहीं सड़क पे कूड़ा पड़ा है तो वो साफ नहीं होगा, क्योंकि आपकी वोट की कीमत आधी है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने बिजली के बिल आधे किए, पानी मुफ्त में उपलब्ध करवाया, सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से अच्छा बनाया, स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर किया, बड़े उद्योगपतियों से रिकॉर्ड टैक्स वसूला और दिल्ली की इकोनॉमी को मजबूत किया, और ये सब किया बिना पूर्ण राज्य का दर्जा हासिल किए। तो जरा सोचिए अगर हमारे पास पूर्ण राज्य हो तो हम क्या क्या करने के सक्षम हैं। दिल्ली का सम्मान अधूरा, पूर्ण राज्य से होगा पूरा।